तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। अगर कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है और उस पर ये तीन फोर्स लग रहे हैं, 9 न्यूटन, 8 न्यूटन और 3 न्यूटन, और उनका लाइन दिया हुआ है डी सी, सी बी और पी ए, डायरेक्शन भी इंडिकेट किया गया, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा? देखो, अगर तुम देखोगे यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात करोगे, जिस रिजल्टेंट फोर्स की, तो यहाँ से भाई ये वाला जो फोर्स इधर आ रहा है और ये जो फोर्स इधर आ रहा है, इनका रिजल्टेंट निकालना आसान है, समझ रहे हो ना? कितना हो जाएगा, 9 न्यूटन, ये 9 में से 3 घटा दोगे, 6 न्यूटन इधर को डायरेक्शन में बचेगा, दिस 6 न्यूटन विल रिमेन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो अगर यहाँ पर तुम देखोगे ये वाली चीज़, तो बेसिकली और ये जो बच जाएगा, ये जो बाद में ये जो बच जाएगा 8 न्यूटन, उसके साथ रिजल्टेंट लो, तो 9 न्यूटन और 3 न्यूटन जो कि अपोजिट लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट किधर होगा? उनका रिजल्टेंट इधर को डायरेक्शन में आएगा, जो कि आ जाएगा 9 माइनस 6, दैट इज 9 माइनस 3, 9 माइनस दैट इज 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन का तो फोर्स इधर आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट भाई 9 और 6, और इसी पे 8 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो 8 न्यूटन इसी पे इधर लग रहा है इस सिस्टम में, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा पैरेललोग्राम लॉ से वो इधर आएगा, और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, उसकी वैल्यू वो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना? ये तो यहाँ से 64 प्लस 36 अंडर रूट, मतलब ये आ जाएगा 100 अंडर रूट, दैट इज 10 न्यूटन नेट फोर्स यहाँ पे आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। थैंक यू।